दोस्तों आज भी इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और जो जगहें आज भी कई रहस्यों से भरी हुई हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। फेयरी सर्कल नामीबिया। रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले रेत की फोटो आती है, लेकिन दोस्तों फेयरी सर्कल सिर्फ नामीबिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों अफ्रीका के नामीबिया में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे नामीबिया डिजर्ट कहा जाता है। नामीबिया रेगिस्तान दुनिया के बाकी रेगिस्तान से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नामीबिया के रेगिस्तान में अनगिनत सर्कल पाए जाते हैं जो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इन्हीं सर्कल को फेयरी सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। ये फेयरी सर्कल 1100 माइल की जमीन पर फैले हुए हैं। इन सर्कल की लंबाई 749 फीट तक पाया गया है। इन सर्कल की सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इन सर्कल के चारों तरफ घास उगी हुई होती है। इन सर्कल के बनने पर बहुत विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह शायद टर्माइट की वजह से बन गए हों या प्राकृतिक रूप से सर्कल हो गए हों, और कुछ लोगों का मानना है कि यह शायद एलियन के द्वारा किया गया हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो यह सतह चांद के सतह के जैसा लगता है। नंबर 4, द ग्रेट ब्लू होल। यह सेंट्रल अमेरिका के वैली शहर के समुद्र में पाया जाता है। दोस्तों ग्रेट ब्लू होल एक समुद्री गड्ढा है। इस होल की क्षेत्र गोलाकार है। इसकी कुल एरिया 70,650 स्क्वायर मीटर है। इस होल की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका पानी समुद्र पानी के मुकाबले बहुत साफ है, जहां पर अक्सर लोग स्क्रूब ड्राइविंग करने के लिए आते हैं, और इन लोगों को इन जगह पर बहुत ही अलग बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। इस ग्रेट ब्लू होल की डायमीटर 1040 फीट और इसकी गहराई 407 फीट है। खोजकर्ताओं का कहना है कि यह गड्ढा हजारों साल के बाद बना है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लू होल असल में एक द्वीप हुआ करता था जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण एक गड्ढे में बदल गया। दोस्तों यह जगह टूरिस्टों को बहुत पसंद आता है क्योंकि यह जगह वाकई में बहुत सुंदर है। नंबर 3, फ्लाइंग गीजर। दोस्तों फ्लाइंग गीजर यूएस के नवाडा शहर में स्थित है। फ्लाइंग गीजर एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है जो गलती से खोजा गया था। दोस्तों एक आदमी खेती करने के लिए खुदाई कर रहा था, तभी अचानक से जमीन पर गर्म गर्म पानी निकलने लगा जिसका टेम्परेचर 200 फारेनहाइट था। इसके बाद इस पानी ने एक झरने का रूप ले लिया। आज के समय यह फ्लाइंग गीजर लगभग 7400 एकड़ में फैला हुआ है। यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। 2016 में बर्लिंग मेन प्रोजेक्ट ने इस फ्लाइंग गीजर समेत आसपास के सभी जगहों को $6.5 million में खरीद लिया था, जिसके बाद इस जगह पर आने के लिए कुछ लोगों को ही एक्सेस पास दिया गया है। नंबर 2, ड्रैगन ब्लड ट्री। दोस्तों आपने इंसान और जानवरों के शरीर से खून निकलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं यमन में ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का एक ऐसा पेड़ है जिसे काटने पर ब्लड निकलता है, लेकिन यह ब्लड नहीं बल्कि लाल रंग का रस होता है। इससे इंसान के शरीर में बनने वाली कई बीमारियों को दूर किया जाता है। इसके अलावा इसके रस का इस्तेमाल लोहबान जैसी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस पेड़ को देखने के लिए हर साल लोग यमन आते हैं। नंबर 1, आइस केव। आपने फिल्मों में बहुत से बर्फ के गुफाओं को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बर्फ का गुफा असल में पाया जाता है। आइसलैंड में एक ऐसी गुफा है जो पूरी तरह से बर्फ की बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गुफा 320 फीट से भी गहरी है। दोस्तों इस गुफा का तापमान बहुत कम होता है, इतना कि कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता। दोस्तों यह गुफा अपना रंग बदलती है, कभी नीला तो कभी दूध जैसा सफेद दिखाई देती है।